हाय फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आज हम चाइल्ड लेबर पे कुछ बातें करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिसमें कि 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। अगर बात करें दुनिया की, तो 152 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक है, जिसका मतलब 10 में से एक बच्चा बाल श्रमिक है। पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम पर गिरावट भी आई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बच्चों को कुछ गंभीर रूपों में बाल श्रम का सामना करना पड़ रहा है, जैसे चोलो, कृषि, घरेलू सेवा आदि। बाल तस्करी, जिसका मतलब बच्चों को चोरी कर लेना, उनको खरीदना बेचना। लड़कियों को ऐसे ही खरीदा बेचा जाता है, उनसे ज़बरदस्ती शादियां करवा ली जाती हैं, और घर का काम या तो सस्ते में या तो विदाउट सैलरी करवाते हैं। लड़कों को सड़कों पर, चौराहों पर भीख मांगने भेज देते हैं, या फिर घर में नौकर बना लेते हैं। बच्चों के हाथ पैर काट देते हैं, उनकी आँखों को फोड़ देते हैं। बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, कार्यस्थलों में नहीं। कार्यस्थल मतलब फैक्ट्रीज, खनन एट्सेट्रा। बच्चों को स्कूल जाने और पढ़ाई करने का पूरा अधिकार है। बाल श्रम इन्हीं दो चीज़ों में सबसे बड़ी बाधा है। बाल श्रम पूरी दुनिया की सरकारों की एक सबसे बड़ी बाधा बन गई है। यूनिसेफ राज्य सरकारों का बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं बाल श्रम के लिए। मैं भी एक बच्चा होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाल श्रम को ख़त्म कर इन बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए और इनको पढ़ाई करने का एक मौका दिया जाए। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय, थैंक यू।